नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर स्टेटिस्टिक्स। वॉट डज इट मीन बाई डेटा? सो डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर विच आर न्यूमरल और अदरवाइज। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर न्यूमरल और अदरवाइज, लाइक नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9th, नंबर ऑफ बॉयज, वेट ऑफ students in class 9, these are facts and figures. In other way, the name of boys and girls in class 9, so these are non-numeral data. अगर हम name लिखते हैं तो non-numeral है, उनके parents के name लिखते हैं, उनका house का address लिखते हैं, वो non-numeral है। तो numeral में उनका weight आ जाएगा, उनके eighth के percentage आ जाएंगे, और इसके अलावा उनका हाइट आ जाएगा। ये सारे न्यूमरल डेटा हैं, तो न्यूमरल भी हो सकता है, नॉन न्यूमरल भी हो सकता है। विच आर न्यूमरल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस, कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस, so these data are collected by class teacher so that the blood group of all students of that class is with her or him in case of emergency. It is known well in advance to teacher that what is the blood group in case blood is needed to that student in case of emergency, or otherwise address and anything is needed by the teacher, telephone number. So it is collected with a definite purpose. The literacy rate of man and male and female and other data are also collected by central agencies to make 5 years plan and efficiently incorporate it. So various data are also collected by various agencies like BCCI. तो जो हमारा क्रिकेट बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड है, वो भी ऐसे डेटा कलेक्ट करता है कि किस क्रिकेटर ने कितने कितने रन बनाए, कि क्या उसका स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस चार्ट है, सो दैट जो नेक्स्ट सिलेक्शन हो उसमें वो एफिशिएंटली काम कर सके। ऐसे ही हमारे प्रीवियस क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर टीचर डिसाइड करता है कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। सो विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। डेटा के साथ हमेशा आर यूज किया जाएगा, ये प्लूरल है। इट इज प्लूरल ऑफ डेटम। अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे का ही वेट है तो वो डेटम है, और बहुत सारे बच्चों का वेट है तो डेटा हो गया। जनरली बहुत सारे बच्चों का वेट हम एक ग्रुप बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो वो डेटा हो जाता है। नाउ What is statistics? सांख्यिकी से हम क्या समझते हैं? So statistics is the branch of mathematics which deals with is the branch of mathematics which deals with, किससे डील करती है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कई तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो हम डेटा कलेक्ट कर लें, हर बच्चे से पूछ लें कि आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, मेजर कर लें। अदरवाइज फ्रॉम जो क्लास स्कूल रजिस्टर है उससे भी ये डेटा लिए जा सकते हैं। तो डेटा कहीं से भी कलेक्ट किया जा सकता है।
कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर उनका बच्चों का रोल नंबर उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। या ऐसा भी लिखा जा सकता है उनके परसेंटेज के हिसाब से, लोअर परसेंटेज टू हायर परसेंटेज, उनके वेट के हिसाब से भी डेटा अरेंज किया जा सकता है, उनके हाइट के हिसाब से किया जा सकता है, स्कूल से उनके घर की दूरी के हिसाब से भी किया जा सकता है। सो जिस पर्पस के लिए डेटा अरेंज करना हो वैसा हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर ये देखा जाएगा कि टोटल बच्चों के क्या मीन परसेंटेज हैं, वो क्लास कैसी है पढ़ने में, तो उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रेट क्यों करते हैं, टू यूटिलाइज डेटा फॉर सम वेलफेयर स्कीम। उस डेटा को सिर्फ हमने ऐसे ही तो एनालिसिस नहीं किया है, उसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे, टू यूज इट फॉर सम डेफिनेट पर्पस, किसी पर्पस के लिए यूज कर लेंगे उसको। सो दिस इज द स्टेटिस्टिक्स। जैसे हम अलग अलग बार चार्ट बनाते हैं या पाई डायग्राम बनाते हैं राउंड में, तो वो सब डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो डील्स विद रिप्रेजेंटेशन स्किल ऑफ डेटा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। सो उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे जो हमारे जरूरत की है, एंड दैट कम्स अंडर स्टेटिस्टिक्स। नाउ डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। सो डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर टू टाइप्स? फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, इफ डेटा इज कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिम सेल्फ, इफ डेटा इज कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिम सेल्फ फॉर डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, जैसे क्लास का मॉनिटर, उसको एक्सेस नहीं है क्लास रजिस्टर का, तो वो खुद अगर कुछ जानना चाहता है तो सब बच्चों से एक पेपर में लिखवा लेगा कि सबका नाम, सबके फादर का नाम, फोन नंबर, तो वो खुद कलेक्ट कर रहा है। उसको किसी पर्पस के लिए चाहिए, किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट कराना है बच्चों को, या कॉन्टेक्ट करना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तो वो खुद कलेक्ट कर रहा है, उसका कुछ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है। पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले आते हैं तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस घर में कितने बच्चे हैं, कितने 5 ईयर से नीचे के हैं, उन्होंने पोलियो ड्रॉप ली है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है इलेक्शन से पहले भी हर घर में लोग आते हैं और पता करते हैं यहाँ कितने लोग वोटर्स लिस्ट बनाते हैं, तो ये सारे प्राइमरी डेटा हुए, क्योंकि यहाँ डोर टू डोर जाकर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। सो सच डेटा आर नोन एज प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, सो मॉनिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिज और हर क्लास, तो ये एक प्राइमरी डेटा हुआ। और भी क्या चीज हो सकती है, एग्जाम्पल पर्सन्स जो भी हैं, कोई भी इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्कर्स डोर टू डोर जाते हैं, एंड वर्कर्स गो डोर टू डोर टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट
तो ये भी एक तरीके का प्राइमरी डेटा हुआ। सो दीज आर प्राइमरी डेटा जो खुद कलेक्ट किया जाता है। सर्वे, सो सर्वेयर गोज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स और अप टू 5 ईयर्स टू गिव देम पोलियो ड्रॉप्स। इट इज अगेन ए प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। वॉट इज सेकेंडरी डेटा? वेन इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। आप चाहें तो ये सारी नॉलेज किसी मैगजीन से या जीके की बुक से भी कर सकते हैं कि भारत का क्या लिटरेसी रेट है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, स्टेट वाइज क्या लिटरेसी रेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, फिर उसको अपने नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कहाँ लॉन्च करना ठीक रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दीज ऑल इन्फॉर्मेशंस आर प्रेजेंट समवेयर। नाउ सो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? इन इफ द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, वो सोर्स क्या हो सकती है? कोई मैगजीन हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि सम सोर्स गवर्नमेंट सोर्स भी हो सकता है। या आप और कहीं से भी ले सकते हैं, जो भी है मीडिया से भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, या इसके अलावा आप www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से या डब्ल्यू जो भी है वर्ल्ड वाइड वेब से भी कलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया ने इंटरनेट, इंटरनेट में ही गूगल आ जाता है। सो दैट हैज ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, दैट ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, वहां से आप उस चीज को ले लें अपने डेफिनेट पर्पस के लिए, एंड स्टोर्ड। तो आपको जरूरी नहीं है कि किसी काम को करने के लिए डेटा हर बार कलेक्ट ही करना पड़े, आप कहीं से ले भी सकते हो। देन द डेटा ऑब्टेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अगर खुद ना कलेक्ट किया जाए तो उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। देन द डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जैसे कोचिंग सेंटर वाले स्कूल से बच्चों का फोन नंबर ले लेते हैं फिर कांटेक्ट करते हैं, तो ये सेकेंडरी डेटा है, घर घर जाकर कलेक्ट नहीं करते हैं, सेकेंडरी डेटा। नाउ सच डेटा इज कलेक्टेड बाई समवन एल्स इन अदर कॉन्टेक्स्ट एंड इज यूज बाई समवन एल्स इन अदर कॉन्टेक्स्ट। किसी और ने किसी और कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया था लेकिन अब दूसरा पर्सन उसी डेटा को अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज कर रहा है। सच डेटा इज अर्लियर कलेक्टेड बाई, किसी ने किया होगा, कलेक्टेड बाई समवन एल्स। फॉर सम अदर कॉन्टेक्स्ट एंड लेटर ऑन यूज्ड बाय समवन एल्स फॉर सम अदर कॉन्टेक्स्ट, बाद में किसी और के द्वारा
किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लिया गया, तो सेकेंडरी डेटा ऐसे होता है। नाउ एक्सरसाइज 14.1। गिव फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देने कि हम डे टू डे लाइफ में डेटा कलेक्ट करते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर मोबाइल नंबर। सो नेम ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद मोबाइल नंबर। नेक्स्ट इज क्लास वाइज स्ट्रेंथ ऑफ केंद्रीय विद्यालय वन। सो ये भी हो सकता है कि क्लास वाइज एंड सेक्शन वाइज किस क्लास में कितने बच्चे हैं। सो क्लास वाइज एंड सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ ऑफ केंद्रीय विद्यालय वन नेक्स्ट दैट इज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स फैंस सर्विसेबल इन ईच रूम ऑफ योर स्कूल। नंबर ऑफ ट्यूब लाइट्स एंड फैंस सर्विसेबल या अनसर्विसेबल, कितने ठीक हैं कितने खराब हैं। इन ईच रूम ऑफ योर स्कूल। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योर कॉलोनी अलॉन्ग विद देयर एज। अगर आप कोई प्ले ग्रुप या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, किड्स ऑर्गेनाइजेशन, सो नंबर ऑफ किड्स इन योर कॉलोनी अलॉन्ग विद देयर एज। एज भी हो सकता है एंड नेम, नेम भी हो सकता है। तो कोई न्यूमरल डेटा भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमरल भी हो सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा एक और भी लिख सकते हैं, सो लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल इन योर स्टेट। लिटरेसी रेट कि कितने मेल पढ़े लिखे हैं, कितने पुरुष साक्षर हैं और कितनी स्त्रियां साक्षर हैं। सो लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल डिस्ट्रिक्ट वाइज इन योर स्टेट। तो इससे पता चल जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन योर स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन वन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसमें कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। सो फर्स्ट फाइव है उस, वो तो आप कलेक्ट करोगे कि कितने ट्यूबलाइट हैं, क्योंकि ये डे टू डे के बेसिस पर हैं। ये तो नहीं कि पिछले साल कलेक्ट किया था तो वो आज चल जाएगा। तो इसलिए ए बी सी डी ई आर
प्राइमरी डेटा वाइल उसको आप खुद कलेक्ट करोगे, जबकि ई इसको आप किसी मीडिया से या पब्लिकेशन से या गवर्नमेंट सोर्स से पता करोगे, वाइल एफ इज सेकेंडरी डेटा। ये इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इन नंबर ऑफ पर्संस आर डिप्लॉयड फॉर दिस टू कलेक्ट देन इंटरप्रेट एनालाइज दिस थिंग्स आर डन, देन ओनली लिटरेसी रेट फाइंड किया जा सकता है। एंड इट इज लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, इट इज नॉट ए वन डे प्रोसेस, तो इसलिए ये सेकेंडरी डेटा है। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा तो हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें। जैसे हमारे स्कूल में परफॉर्मेंस चार्ट रहता है कि इस साल इतने बच्चे पास हुए, उस साल इतने बच्चे, तो एक बार चार्ट या कुछ बनाया रहता है। तो ये प्रिंसिपल के रूम में जब जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे चार्ट अवेलेबल रहते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है फॉर न्यू कमर्स। कोई विजिटर है तो इन्विजिलेटर है, या और कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, तो उसके लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये स्कूल का परफॉर्मेंस चार्ट है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वंस डेटा आर कलेक्टेड, एक बार आपने कलेक्ट कर लिया, कलेक्टेड, देन इट इज ऑर्गेनाइज्ड, उसे ऑर्गेनाइज करना होगा एंड रिप्रेजेंटेड, उसको ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें कि ये इजिली अंडरस्टूड हो जाए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन इन सच ए मैनर दैट इट इज ईजिली अंडरस्टूड बाई ऑल एट फर्स्ट ग्लांस, प्रथम दृष्टया देखने पर यह आसानी से सबके द्वारा समझ में आ जाए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन इन सच ए मैनर दैट इट इज ईजली अंडरस्टूड बाई आल एट फर्स्ट ग्लांस। सो डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाई बार चार्ट, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाई बार चार्ट, तो बार डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा हिस्टोग्राम होता है, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो किसी न किसी मेथड से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बार ग्राफ से कर सकते हैं। पाई चार्ट ऐसे राउंड बना के, हिस्टोग्राम, और इसके अलावा पॉलीगन, पॉलीगन बनाकर भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो देयर आर वेरियस मोड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, सो दीज आर वेरियस मेथड विच वी विल सी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। नाउ लेट अस सी बाय एग्जांपल वन हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड। सो एग्जांपल वन, इट इज गिवन, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, गिवन बिलो, तो 10 बच्चों के द्वारा इतने इतने नंबर पाए गए। सो गिवन 10 स्टूडेंट्स ने मैथ्स में कितने मार्क्स पाए हैं,
ये बात इसमें दिखाई गई है, तो ये हंड्रेड में होंगे। द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रे डेटा, इसको सिर्फ एक कैलस के फॉर्म में इधर उधर दे दिया गया है, ज़्यादा नंबर कम नंबर बीच में है, कोई ये अरेंज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। सो बाई लुकिंग एट दिस कैन यू फाइंड द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स, तो आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम इसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ यू आर राइटिंग द मार्क्स देन इट इज अगेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो नाउ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में, फ्रॉम लेसर टू हायर। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज फ्रॉम लेसर टू हायर, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो अब सबसे कम मार्क्स कितने हैं बच्चे के, तो एक बच्चे के 25 मार्क्स हैं, फिर उससे थोड़ा ऊपर, सो 36 दूसरे बच्चे के हैं, फिर किसी के 42 हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, दैट इज 55, नेक्स्ट इज 60, नेक्स्ट इज 62, तो ये अरेंजमेंट आपको क्लोजली वॉच करके करना है। 73, नेक्स्ट इज 75, नेक्स्ट इज 78 एंड दिस नेक्स्ट इज 95। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब इसको देख के आपको पता लग सकता है कि द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 25 एंड द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड इज 95। लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड 25 एंड हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इट इज 95। व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा, यानी आपका जो डेटा है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, उसको कहते हैं कि रेंज ऑफ डेटा। इट इज हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा, दैट इज हमेशा जब भी करना तो जो हाईएस्ट डेटा हो और उसमें से लोवेस्ट डेटा घटा देना, वही रेंज हो जाएगी, वो प्रसार हो जाएगा। सो दैट इज 95 माइनस 25, तो 70 मार्क्स का डिफरेंस है, जो सबसे कमजोर बच्चा है और जो सबसे तेज बच्चा है उनके बीच में 70 मार्क्स का डिफरेंस है। दिस इज रेंज ऑफ डेटा। सो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ डेटा। सो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ डेटा, इसको रेंज ऑफ डेटा कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू सेज दैट कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाई 100 मार्क्स में से कितने नंबर आए हैं इन क्लास 9th। 30 स्टूडेंट्स इस बार दिए हैं, पहले तो 10 दिए थे, अब की 30 दे दिए, तो इन बच्चों के 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। सो इसको अरेंज करना है, तो अब कैसे अरेंज करेंगे, जो जो भी मार्क्स हैं वो हम लिखते चले जाएं, तो सबसे जो मार्क्स हैं वो मिनिमम मार्क्स कितने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे भी मार्क्स हैं जो कई बच्चों ने पाए हैं, जैसे कि 36 मार्क्स 3 बच्चों ने पाए हैं, तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे किया जा सकता है। 10 मार्क्स पाए गए हैं मिनिमम, फिर 10 से ऊपर चलना, तो उसके बाद 20 मार्क्स हैं जो नेक्स्ट बच्चे ने पाए हैं, फिर 36 हैं वो नेक्स्ट बच्चे ने पाए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज 40, नेक्स्ट इज 50, देन 56, नेक्स्ट इज
60, देन 70, 72, ये असेंडिंग ऑर्डर में जो मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ मार्क्स कई बच्चों के आए हैं, 80, 88, 92 एंड 95. सो दीज आर द मार्क्स, वेरियस मार्क्स ऑब्टेंड. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बाद, तो इसमें आप टिक करते रहें. पहले तो हमने सारे मार्क्स लिख लिए कि कौन कौन से आए, तो पूरे में जब आप देखोगे तो 10 मार्क्स सिर्फ एक बच्चे ने पाए हैं. तो इसमें पूरे में आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि 10 मार्क्स कितने बच्चे ने पाए हैं. सो उसके बाद इसमें लिख दीजिए, वन स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स. 20 मार्क्स कितने बच्चे ने पाए हैं, तो जब आप टेबल देखोगे तो ओनली वन स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स. हाउ एवर 36 मार्क्स 3 बच्चे ने पाए हैं, 40 मार्क्स 4 बच्चे ने पाए हैं. तो जो मिड वैल्यू है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हमेशा एवरेज बच्चे ज़्यादा होते हैं क्लास में. इसी तरीके से 50 मार्क्स भी 3 बच्चे ने पाए हैं. टॉपर कम होते हैं और डल बच्चे भी कम होते हैं, एवरेज ज़्यादा होते हैं. 56 2 बच्चे ने पाए हैं एंड 64 बच्चे ने पाए हैं. नाउ 74 स्टूडेंट्स हैव गॉट 70 मार्क्स. नाउ 72, वन स्टूडेंट हैज़ गॉट 70 मार्क्स, 72 मार्क्स. एंड 80, इट इज़ वन एंड देन 2 3 वन, ऐसा किया जा सकता है. और फिर टोटल कर लें कि टोटल कितने बच्चे हैं. सो टोटल इज 30 स्टूडेंट्स. तो आप इसको सबको टोटल करेंगे, अगर 30 आ जाएगा तो करेक्ट है. नाउ इट इज़ हियर यू मे डू मिस्टेक, क्योंकि ऐसे केस में हम मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसमें टैली मार्क्स बना लेंगे. तो टैली मार्क्स बनाना अच्छा रहता है. तो टैली मार्क्स से क्या होगा, आपका एक भी स्किप नहीं होगा. जैसे वन है तो वन बार ड्रॉ करो, तो ये वन है तो वन बार, अगर थ्री है तो 1 2 3, यानी 1 2 3 फाइव फाइव का टैली मार्क होता है. 4 लाइन ऐसे खींची जाती हैं, फिर एक इस तरीके से, ऐसे मत खींच देना, इधर नहीं खींचना है, ऐसे खींचना है. तो फाइव फाइव की ग्रुपिंग कर ली जाती है. जैसे 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, और साथ में टिक करते जाओ अपने डेटा को. जैसे 50 आपने एक जगह देखा तो टिक कर दिया, दूसरी जगह टिक कर दिया. तो जब आप ऐसे टिक करते जाओगे तो लास्ट में देख लेना कि आपने सारे डेटा ऑब्जर्व कर लिए हैं. तो जब सब में टिक लगा होगा आपके क्वेश्चन के डेटा में, तो इसका मतलब है कि सारे आपकी नज़रों से थ्रू हो गए हैं. तो ये टैली मार्क का तरीका भी अच्छा है. 4, तो इफ डेटा आर मोर इन नंबर देन यू कैन यूज टैली मार्क. नाउ अगेन यू मे फाइंड इट टीडियस, क्योंकि आप कहोगे कि अब इतना एक एक डेटा देखें फिर हम उसमें 76 ढूंढें तो भी गलत है. तो ऐसे केस में जो भी डेटा हो, जैसे आपके पास ये डेटा दिए हैं तो आप लिखते जाइए आपके पास ये डेटा दिए हैं. तो अब इसमें आप शुरू में, जैसे 10 है तो यहाँ पर आप क्या कर लें, 10 लिख लें, ऐसे ग्रुपिंग ही कर लें. जैसे आपने 10 लिख लिया, फिर इसके बाद अगला देखें 20 है तो 20 लिख लें, 20 लिख लें. फिर मान लीजिए 40 आता है नेक्स्ट, 40 तो 40 लिख लें. फिर 36 आ गया तो बीच में 36 लिख लें. तो इससे एक अरेंजमेंट बन जाएगा. और फिर इसके बाद जब आपके इसके बीच में कोई आ जाए 32 आ जाए तो 32, फिर बाद में एक फ्रेश टेबल बना लें. और उसके बाद एक एक को टिक करते जाएं. जब आपकी ये टेबल बन जाए, जैसे आपने टेबल बना ली, तो आपको टैली मार्क कैसे बनाना है, टैली मार्क का तरीका देखिए. तो मार्क्स आपने लिखे, फिर इसके बाद मार्क्स लिखने के बाद, जैसे कि आपने सारे मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, तो मार्क्स ऑब्टेंड इसमें 10, 20 ऐसे आपने लिख लिया, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80,
88, 92 और 95। अब इसके बाद आपको कोई डेटा ढूंढना नहीं है, आप एक तरफ से बुक खोलें और जैसे 10 है तो 10 में 10 के सामने यहाँ टैली मार्क बनाओ, बस एक टैली मार्क 10 के आगे, फिर अगला देखो, फिर नेक्स्ट वाला जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट 20 है, सीक्वेंसली देखते चले जाओ, तो 20 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर लें, फिर नेक्स्ट है 36, तो 36 के सामने एक लाइन, फिर इसी तरीके से 92, तो 92 के सामने एक लाइन, आपको ढूंढना नहीं है, इससे आपका कोई डेटा स्किप नहीं होगा, 92 के सामने एक लाइन, फिर 92 के बाद 95, तो 95 के सामने, तो ये सीक्वेंस से होता चला जाएगा, और फिर यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ करते जाओ कि यहाँ तक हमने देख लिया 95 है, फिर जैसे अगले पे पहुंचो तो नीचे अंडरलाइन कर दो, अब ये देख लिया, तो इसके बाद 40, तो 40 आ गया, तो 40 के आगे एक लाइन, और इसी में जब आगे आप देखोगे तो नंबर रिपीट भी होने लगेंगे, फिर 50, तो 50 के आगे एक लाइन, ऐसे ड्रॉ करते चले जाए, सीक्वेंस से चले तो कोई छूटेगा नहीं, फिर 56 है तो 56 के आगे एक लाइन, फिर 60 है तो 60 के आगे एक लाइन, फिर 70 के आगे एक लाइन, तो 60 और 70 के आगे एक एक लाइन, फिर और आगे बढ़िए 92, तो 92 में दो आ गए, तो 92 में दो लाइन, और जैसे ही 5 हो तो क्रॉस कर दो फिफ्थ वन आने पर, फिर 92 के आने के बाद 80, तो 80 के बाद एक लाइन, ऐसे आप बनाएं, तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपका एक भी मिस भी नहीं होगा, सीक्वेंस से आप चलेंगे, तो जहां जहां जो जो जिसके करस्पॉन्डिंग हो उस पे बार लाइन बनाइए, फिर उसका टोटल कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, ऐसे किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 100 प्लांट्स हैं, प्लांटेड बाय 100 स्टूडेंट्स इन वन महोत्सव, आफ्टर वन मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव, तो 100 स्कूलों में हर स्कूल ने 100 100 प्लांट लगाए, 100 स्कूलों ने प्लांट लगाए और हर स्कूल ने 100 प्लांट लगाए, तो आप समझ लें कितने सारे प्लांट हो गए, 10,000 प्लांट। फिर इंस्पेक्टर हर स्कूल में गया तो पहले स्कूल में देखा तो वहाँ 95 प्लांट जिंदा थे, 5 मुरझा गए थे, तो 5 प्लांट्स हैव डाइड। कुछ ऐसे भी स्कूल थे जहाँ 67 ही सर्वाइव किए और बाकी 33 डाई कर गए, कुछ तो ऐसे थे जहाँ 28 ही सर्वाइव किए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और बाकी 72 डाई कर गए, कहीं कहीं 32, कहीं का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ये 100 स्कूलों का परफॉर्मेंस है कि कितने कितने प्लांट है, 100 तो कहीं भी नहीं सर्वाइव किए, कुछ ना कुछ तो डाई कर ही गए, तो ये चीज़ है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज को रिप्रेजेंट करो ये डेटा कि कितने कितने प्लांट्स कहाँ कहाँ सर्वाइव किए, तो ऐसे केस में 100 तो यहाँ पर कॉलम नहीं बनाओगे और फिर उसे पढ़ेगा कौन, देखेगा कौन, यही देखने में कितनी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कॉलम 6 से 7 होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने में फिर अच्छा नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि देखने वाले को तुरंत समझ में आए, तो इसके लिए हम इनका क्लास इंटरवल बनाएंगे, क्लास इंटरवल का मतलब है कि 20 प्लांट तो हर जगह सरवाइव किए हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट सरवाइव के लिए हमने क्लास इंटरवल बनाया, तो 20 से कम कहीं नहीं हुए, तो 20 से 30 कहां सरवाइव किए, फिर 30 से 40, 30 ये लोअर लिमिट ये मानी जाती है और ये अपर लिमिट किसी भी, ये क्लास इंटरवल है, ये जो चीज है कि इतने इंटरवल में, जैसे आप कहते हो कि आपका 8:40 से 9:10 तक एक क्लास है, फिर दूसरा पीरियड है, तो जो आपके पीरियड्स होते हैं वो क्लास इंटरवल ही हैं, क्योंकि आपके स्कूल में 8:40 से 9:15 तक एक क्लास है, तो ये क्लास इंटरवल हो गया। फिर आप कहते हो 9:15 से, अब उसके बाद फिर जितने भी देर का हो, 10 बजे तक का क्लास हो तो 10 o'clock तक, तो ये दूसरा क्लास इंटरवल हो गया। 9:15 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 9:15 पे ये क्लास शुरू होनी है, 9:14 तक ये टीचर क्लास लेगा, ये वाली लिमिट इसके लिए है। इसी तरीके से ये भी एक क्लास इंटरवल है, ये दूसरा क्लास इंटरवल, जैसे आपके यहाँ पीरियड्स होते हैं तो वैसे एक क्लास इंटरवल है, ये इसकी लोअर लिमिट है।
और अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी जो 30 प्लांट सर्वाइव किए होंगे वो इसके खाते में नहीं आएंगे, वो इसके अकाउंट में आएंगे। जैसे 9:15 पर ये क्लास शुरू हो जाएगी, तो इस तरीके से अपर लिमिट इज़ नेवर इंक्लूडेड इन एनी क्लास। ये 20 से वास्तव में 29 तक ही है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि अपर लिमिट को यहाँ इंक्लूड किया जाए, यहाँ नहीं। 20 इंक्लूडेड रहेगा, 29 तक भी यहाँ रहेंगे, 30 इसमें रहेगा। तो ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास, अपर लिमिट हमेशा नेक्स्ट क्लास में इंक्लूडेड रहती है। इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास, जो भी क्लास है उसमें अपर लिमिट उसका हिस्सा नहीं है। तो 20 से 30 प्लांट कहाँ सरवाइव किए, 30 से 40, फिर 40 से 50 कहाँ सरवाइव किए, 50 से 60, 60 से 70 कहाँ सरवाइव किए, 70 से 80 कहाँ सरवाइव किए, फिर 80 से 90 कहाँ सरवाइव किए। ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 95 तक के प्लांट सरवाइव किए हैं, और भी ज़्यादा होंगे, देखने से पता चलेगा, 90 से 100। तो इस तरीके से 90 से 100 भी लिखा जा सकता है, ये चीज की जा सकती है। नाउ अब एक तो ये तरीका है कि अपर लिमिट नॉट इंक्लूड करो, तो वैसे लिख के भी कर सकते हैं 90 से 100। और बुक में एक और भी तरीका दिया है, उन्होंने क्लास इंटरवल में अपर लिमिट लिखी ही नहीं है, तो वो भी तरीका अपनाया जा सकता है। तो ये आगे आप देखेंगे अगली एक्सरसाइज में कि अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, जैसे मैंने कहा ये 20 से 29 है, तो बुक एक और तरीका निकालता है और बेसिक वे समझाने के लिए। सो क्लास इंटरवल पहले वो समझा के फिर ये इस पे आएगा। क्लास इंटरवल दैट इज नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड। तो अभी आपको बहुत बेसिकली 20 to 29 लिखाया जा रहा है, और फिर उसके बाद 30 to 39, फिर 40 to 49। वास्तव में एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक सवाल ऐसे करा कि फिर वो ऐसे कराएगा। फिर 49 to 50, 59, 49 to 59। फिर इसके बाद सॉरी 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। सो फिर 49 वहाँ आ गया था, तो यहाँ 50 आएगा, 50 to 59। फिर 60 यहाँ आ जाएगा, 60 to 69। फिर 70 to 79, 80 to 89, और फिर 89 to 99। इसमें बोथ लिमिट इंक्लूडेड हैं, अगर ऐसे सवाल करोगे तो लोअर एंड अपर लिमिट बोथ इंक्लूडेड। और ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड ऐसे करेंगे, तो वहाँ अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको बताया जाएगा इस क्वेश्चन में ऐसे किया गया। तो यहाँ लिख लो अपर एंड लोअर लिमिट्स बोथ इंक्लूडेड। तो इसमें दोनों इंक्लूड हैं, तो जब हम ऐसे कर लेंगे फिर इसके बाद इनके टैली मार्क्स बनाएंगे। ये हमने लिख लिया, फिर इसके बाद इनका टैली मार्क्स लिखिए कि कितने कितने टैली मार्क्स हैं। सो नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड आपने लिख लिया, फिर अब इनके टैली मार्क्स बनाइए। सर्वाइव्ड नीचे लिख लें, फिर टैली मार्क्स। तो अब इसमें आपको अब 100 प्लांट्स हैं, ये आसान नहीं है करना, इसलिए सिर्फ एक एक प्लांट देखते जाइए वो कहाँ पड़ रहा है। 95, तो जैसे 95 है, तो 95 के लिए आप क्या करोगे, इसमें एक टैली मार्क बना दो। फिर अगला देखिए दैट इज 67, तो 67 जहाँ पड़ता हो वहाँ टैली मार्क बना दीजिए, और सीक्वेंसली टैली मार्क बनाते जाइए। तो 67 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो एक टैली मार्क बना दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें, सीरियली देखें, तो इसके बाद 28, तो
तो 28 कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ टैली मार्क बना दें। जब इस तरीके से एक एक देखते जाएंगे आपका गलत नहीं होगा, और सिंपल सी चीज़ है, फुल मार्क्स आएंगे, वरना इसी में बच्चे गलती करते हैं। दैट इज 32, तो 32 में यहाँ टैली मार्क बना दें। एक एक देखते जाओ, एक एक लिखते जाओ। 65 फिर फ्लो में आ जाएगा, 65 में यहाँ टैली मार्क बना दो ये। फिर इसके बाद 65 के बाद 69, तो ये 69 है, उसमें भी यही टैली मार्क बना दो। ऐसे आप टैली मार्क सीक्वेंस से बना लें। व्हेन यू विल कंप्लीट योर टैली मार्क्स, जब सारे टैली मार्क्स बन जाएंगे, तो टैली मार्क्स की कुछ कुछ ऐसी पोजीशन होगी, दैट इज 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे, और फिर 1 2 3 4। फिर 42 49 में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2। फिर 50 to 59, 50 to 59 में 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3। फिर 60 to 69, 60 to 69 बहुत जगह सर्वाइव किए प्लांट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद 1 2 3, 3 ये हो गए। इसके बाद 70 to 79, इसमें 10 प्लांट सर्वाइव किए हैं। फिर 80 to 89, 80 to 89 में बहुत सारे प्लांट सर्वाइव किए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3। और फिर इसमें इसमें 12 हैं, 1 2 3 4 5 1 2। तो जब ये चीज बन जाए, अब आपके टैली मार्क बन गए। फिर इसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स, अब इनकी टोटलिंग करो। पहले आपने टैली मार्क बना लिए, कुछ मिस नहीं हुआ। सो नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल हैं जिसमें 20 से 29 तक प्लांट सरवाइव किए गए हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स, ये तो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जो सरवाइव किए गए हैं, लेकिन इतने प्लांट्स कितने स्कूलों में सरवाइव किए हैं। तो 3 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, और बहुत थोड़े ही पौधे वहाँ जीवित बचे। सो नंबर ऑफ स्कूल 3 है। नंबर ऑफ स्कूल 14 है, ये बड़े आसानी से काउंट किया जा सकता है, दैट इज 12। इट इज नाउ 3 14, 12, आफ्टर दैट 8 15, 3 18, 10, और यहाँ 23, फिर इसके बाद 12। जब ये सारे हो जाएं, ये हमने कर लिया, इसका टोटल कर लो। सो टोटल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको टोटल करके फिजिकली देख लेना, तो कितने स्कूल में ये प्लांट सरवाइव किए गए हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितने कितनी बार वो डिजिट आया है, कितनी बार आपने जब डेटा पढ़ा तो ये चीज कितनी बार आई है, 3 टाइम्स आई है, तो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली इट अकर्ड, तो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी, या बारंबारता, कितनी बार आया है उसको बारंबारता भी कहते हैं, या फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ टाइम्स दिस डेटा हैज अकर्ड, उसको हमने टैली मार्क से दिखाया, उसको फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया। तो ये इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, तो इस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे ही हम चार्ट बना लेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि आप सारे प्लांट्स लिखें जिसमें बोथ लिमिट इंक्लूडेड है, और फिर उसका टैली मार्क बना लें। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल में इस इंटरवल के पौधे सरवाइव किए हैं, तो पता चलता है कि 3 स्कूलों में 20 to 29 प्लांट सरवाइव किए हैं, 14 स्कूल्स में 30 to 39 प्लांट्स हैं, और 12 तो बहुत बेहतरीन स्कूल हैं जहाँ पर 90 to 99 प्लांट सरवाइव किए हैं। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज नंबर ऑफ स्कूल्स जिसमें वो क्लास इंटरवल अकर कर रहा है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन का एक अच्छा तरीका है, इसमें एट ए ग्लांस पता चल जाता है कि क्या कंडीशन रही, कैसा लोगों ने परफॉर्म किया है। सो दिस इज अगेन ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपको डेटा वेल अरेंज्ड मिल जाए और रिप्रेजेंटेड मिल जाए, तो भी आपको पढ़ना तो आना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा ही कहा जा रहा है, लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो, और ऐसी टेबल ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है जिसमें आपका क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी भी दी है। फ्रीक्वेंसी ये है कि कितना कितने कितने स्कूलों में कितने प्लांट सर्वाइव किए हैं, तो ऐसे दिया जा सकता है। इस चीज़ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी बारंबारता वितरण तालिका। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्लास इंटरवल भी दिया रह सकता है और फ्रीक्वेंसी, कई बार क्लास इंटरवल नहीं भी देगा तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बनेगी। ये फ्रीक्वेंसी तो रहेगी कि कितने नंबर कितने बच्चों ने पाए, लेकिन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अलग अलग अंकों के साथ है। और यहाँ पर अब ये नहीं पता चल पाएगा आपको कि 28 प्लांट कहाँ सर्वाइव किए, क्योंकि आपने ग्रुपिंग कर दी कि 20 से 29। तो ऐसे केस में आपने क्लास इंटरवल बना लिया। तो पिछली टेबल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये कंटिन्यूअस है, इसमें डेटा कंटिन्यूअसली आए हुए हैं, तो ये चीज़ कंटिन्यूअस है, वो डिस्क्रीट थी। लेकिन दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैं क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ऐसी ही एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एग्जाम्पल नंबर 4 में दी जा रही है। लेट अस सी इट लाइक दिस। सो 31 to 35 केजी 9 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में, 38 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, लेकिन बहुत कम वजन वाले स्टूडेंट्स भी हैं, 36 से 40 केजी वाले 5 हैं, 41 से 45 वाले 14 हैं, 46 से 50 वाले ऐसे दिए हैं, 51 से 55 ऐसे दिए हैं, कुछ बच्चे तो 9th में 75 केजी के भी हैं जो ओबेसिटी है, ओवरवेट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दी है और इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको बतानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। सो वो टेबल क्या है, दैट इज क्लास 10th के बच्चों का वेट, वेट इन केजी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दैट इज 31 से 35 केजी, तो ऐसे 9 बच्चे हैं, फिर 36 से 40 केजी, देर आर 5 स्टूडेंट्स ऑफ सच, 41 से 45, देर आर 14 स्टूडेंट्स, एंड 46 से 50 देर आर 3 स्टूडेंट्स लाइक दिस, 51 से 55, फिर 55 से 56 से 60, इसमें बोथ लिमिट इंक्लूडेड है, देख लो 50 के बाद 51 यहाँ आ गया, फिर 61 से 65 बोथ लिमिट इंक्लूडेड, 61 भी इंक्लूडेड है 65, क्योंकि 65 के बाद 66 आ गया, 66 to 70 एंड 71 to 75 ये, और इनकी लिमिट दे दी गई है 14, 3, फिर 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, और टोटल क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल देयर आर 38 स्टूडेंट्स। फिर भी इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, 60, 65 पे टूट रहा है और फिर ये 66 है, तो 65 से 66 के बीच में अगर किसी बच्चे का वेट है तो वो कहाँ जाए, मान लो किसी बच्चे का वेट 65.5 है तो ऐसे में उसे हम कहाँ रखें, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, मान लीजिए यहीं देख लो 60.2 केजी का है, वो बच्चा कहाँ जाएगा, ना ये लेगा ना ये लेगा, तो इसको कंटिन्यूअस बनाना है। ये क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो है बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो अब हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहला वाला हमारा बैच क्या है, 31 से 35, तो ये पहला बैच है, फिर इसके बाद 36 से जो दूसरा बैच शुरू हो रहा है वो कहाँ तक गया है, 40 तक, देख लो आप 31 से 35, फिर 36 से 40, 31 से 35 और 36 से 40,
तो मान लीजिए 35 से थोड़ा ज़्यादा किसी का वेट है, उसे कहाँ रखोगे? तो कंटिन्यूटी तो नहीं है, ये टूट गई, बीच में लाइन टूट गई, तो इसलिए 35 और 36 के बीच का गैप कितना उसको पता करो। सो टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस, टू मेक, अब हम इसे कंटिन्यूअस बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिससे कि 35.2 केजी का भी बच्चा कहीं ना कहीं तो जा सके। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको सतत बारंबारता चार्ट बनाएंगे, कंटिन्यूअस, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड द गैप, फाइंड गैप बिटवीन टू कंजीक्यूटिव क्लास इंटरवल, टू कंजीक्यूटिव क्लास इंटरवल। तो कैसे पता करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। ऑफ माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, तो जरा देखें लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, आप मान लीजिए यहां पर 36 ले लें इस क्लास की, और अपर लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस प्रीवियस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, देख लो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट, और ये क्या है लोअर लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, तो लोअर माइनस अपर करना है, लेकिन लोअर लिमिट में से जो अपर लिमिट करोगे वो पिछले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होनी चाहिए, तो 36 माइनस 35, सो लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, देख लो 36 ली ना लोअर लिमिट, ये एल है ये यू है, तो लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, तो 36 माइनस 35 कर दो, दैट इज वन, एंड डिवाइड बाई टू, नाउ दैट गैप जो आपने गैप पा लिया है उसको टू से डिवाइड करो, नाउ दैट गैप इज डिवाइडेड बाई टू, दो से डिवाइड कर लो, सो 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5 kg आ जाएगा, इतना आ गया, क्योंकि 1 kg का गैप था बच्चे में, फिर 0.5 kg। अब ये दोनों क्लास बोलेंगी कि थोड़ा तुम आगे चलो, अपर लिमिट वाले से कहा जाए कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ, हम यहाँ पहुँच जाओ, दोनों लोग फिर कंटिन्यूटी बना लें, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी इसी इंटरवल की नहीं है कि यही सारा चले, आधा रास्ता ये चले आधा रास्ता ये पीछे आए, तो लोअर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और अपर में ऐड करना पड़ेगा, अपर लिमिट 35 है तो इससे बोला जाएगा तुम 0.5 अपने में ऐड करवा लो, तो अपर लिमिट में हमेशा ऐड होता है, जैसे कि अपर लिमिट कितनी थी 35, तो वो जो गैप का हाफ आया है 0.5 kg इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.5, तो इसे ये 35.5 तक मानी जाएगी, अब ये लिमिट यहां तक मानी जाएगी, ये यहां से यहां तक हो गई 35.5, ये मिड मार्क है 30.5.5, क्योंकि 35 से 36 का मिड मार्क क्या है 35.5 है, तो यही 0.5 हमने अपर लिमिट में ऐड कर दिया, ये आधा चल गया, इसे पीछे आना है, तो इसलिए जो लोअर लिमिट है अगले क्लास की उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगला क्लास 36 था तो 0.5, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 35.5 हो गया, तो दोनों को, ये आगे चल के यहां तक पहुंच गया और ये पीछे आके यहां तक पहुंच गया, और चीजें कंटिन्यूअस हो गई। तो हमेशा आप क्या करना, जब भी आपने गैप पा लिया 0.5 का, तो 0.5 इन सब में सारी की अपर लिमिट में जोड़ देना और सारी की लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देना, कम में घटा देना ज्यादा में ऐड कर देना, गरीब को गरीब बना दो अमीर को अमीर, तो ऐसा करो सब में। सो नाउ टू मेक इट कंटिन्यूअस, मैं कम में से और कम करता जा रहा हूं, सब में देखो 0.5 सब्ट्रैक्ट और इसमें 0.5 ऐड,
तो इसमें करो, इससे कंटिन्यूअस बन जाएगा। जरा 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 31 में से, तो कितना होगा? तो एड 0.5 टू ऑल अपर लिमिट्स। एड, पहले हमने गैप निकाला फिर उसका हाफ किया, तो एड 0.5 kg टू ऑल अपर लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 kg टू ऑल लोअर लिमिट्स। ऐसा कर दिया टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस, टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस। फिर कोई भी बच्चा होगा, वो चाहे 35.5 का है, उसे सोचना नहीं है कहाँ जाना है, तो कंटिन्यूअस ऐसा करना है। सो लेट अस मेक द टेबल ऑफ दैट। तो उसकी अब हम टेबल बना लें। तो इसमें सभी में हम 0.5 ऐड कर दें, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लोअर में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अपर में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 31 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, तो वेट इन केजी। सो 30.5 देखो सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसमें ऐड कर दो, तो 35.5। अगले में फिर सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही चीज आएगी जो इसकी अपर लिमिट है, यही आ जाएगी, चाहे करके देख लो 35.5। और फिर इसमें ऐड करो 40 में, तो 40.5। अब आप चाहें तो बार बार सब्ट्रैक्ट और ऐड करने की जरूरत नहीं, यही चीज यहां लिख लो, ये यहां आई है, सब्ट्रैक्ट करते तो भी यही आती। 36 में से 0.5 घटाया, तो देख लो 36 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है, 36 में से 0.5 कम क्या ये आ गया। तो या तो यही लिख दो, क्योंकि दोनों को मिल जाना है मिडवे पर, तो वही चीज है। फिर ये चीज यहां लिख लो, सिर्फ अपर लिमिट में ही जोड़ते चले जाओ, ये तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, जो चीज यहां आएगी वही चीज सब्ट्रैक्ट करने पे यहां भी आएगी, यहां जोड़ने पे वही चीज आएगी, यहां घटाने पे वही चीज आएगी। सो दिस इज 45.5। तो प्रैक्टिकली आपको ऐड ही करना है, और पहले वाले में तो खैर सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद 45.52, 55.5, ये 45.52 50.5, 50.5 to 55.5, फिर 55.5 to 60.5, सभी में ऐड करते चले जाओ, 60.5 देखो, 60.5, 60.5, फिर 60.5 to 65.5, फिर 65.5 to 70.5, फिर 70.5 to 75.5। तो हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लास इंटरवल बना लिया, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो अब इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो, वो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो आ रहे हैं, कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ पर्संस एसोसिएटेड विद दैट डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इट इज फ्रीक्वेंसी। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, नंबर ऑफ पर्संस फॉलिंग इन दैट क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या इन दैट ग्रुप ऑफ डेटा, या पर्टेनिंग टू दैट डेटा। अगर सिंगल सिंगल डेटा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 36 नंबर पाए, ऐसे तीन बच्चे थे पिछले एग्जाम्पल में, तो वो फ्रीक्वेंसी है। क्लास में भी हो सकता है और डिस्क्रीट डेटा में भी हो सकता है। तो ये वही रहेगा 9, ये वैसे ही लिख दो 9 6 15 3 15 3 1 2 2 1
वन, दिस इज टोटल 40 बच्चों का ये डेटा दिया गया है. सो नंबर ऑफ पर्संस फॉलिंग इन ए पर्टिकुलर क्लास, ये क्लास है, इसको क्लास कहते हैं. और इसका इंटरवल यहां से यहां तक, जैसे आपसे पूछा जाए आपका पीरियड कब से कब तक है, पीरियड इंटरवल तो यहां से यहां तक है. सो नंबर ऑफ पर्सन फॉलिंग इन ए पर्टिकुलर क्लास या एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर डेटा. इस कॉल्ड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो इफ अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास देन सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि बच्चे कितने कितने किस किस ग्रुप में पढ़ रहे हैं. सो देन सच डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सारे बच्चे और ये टेबल बना ली गई है. सो ये तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है. इफ अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास क्लास देन सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ये चीज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई. ये हमारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्योंकि किसी की अपर लिमिट उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है. तो ये जो हमने टेबल बनाई है इसको कहेंगे सतत बारंबारता सारिणी, दैट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और इसमें क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो क्लास साइज है. इन सभी में यूनिफॉर्म क्लास साइज है. अब अगर अपर में से लोअर करेंगे तो 5 आएगा, सब में 5 ही आ रहा है. सो दैट इज अपर. कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाता है तो उस केस में हमें हर एक में देखना पड़ेगा. खैर हमारे केस में तो यूनिफॉर्म है. माइनस लोअर लिमिट, इसको कहते हैं कि कितने साइज का क्लास बनाया है, दैट इज 35.5 माइनस 30.5. तो इट इज इक्वल टू 5 kg का क्लास साइज है आपका. 35.5 में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्लास साइज. क्लास साइज को भी डिफाइन करना आना चाहिए. इट इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरीके की होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है और एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है. डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अलग अलग होगी और दूसरी कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट में ये वाली हो जाएगी, जैसे यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाई लेकिन इसमें कोई क्लास नहीं दी, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन
ये है. सो इट इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नीचे लिखा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और दूसरी होती है ग्रुप्ड, और ग्रुप्ड में भी ऐसी होती है कि नॉन कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस. तो इसको आप लिख लें, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है इसको आप लिख लें अनग्रुप्ड. इसका दूसरा नाम क्या है? अनग्रुप्ड. और कंटिन्यूअस में दो, यहां पर एक अनग्रुप्ड होगी और दूसरी ग्रुप्ड होगी. तो आप यहां लिख लें, एक तो अनग्रुप्ड हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरी हो गई ग्रुप्ड. तो ग्रुप्ड में भी दो हो गए, एक नॉन कंटिन्यूअस जिसको अभी हमने इसमें कन्वर्ट किया है, क्योंकि वहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप था अगले वाले में, तो वो नॉन कंटिन्यूअस है. नॉन कंटिन्यूअस और इसे कहेंगे कंटिन्यूअस, जो अभी हमने बनाई 0.5 जोड़ के. तो तीन तरीके की टेबल है, एक अनग्रुप्ड और दूसरी ग्रुप्ड. यहां पर भी ये डिस्क्रीट वर्ड हटा दें, आप सिर्फ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड लिखें ऐसा. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है अनग्रुप्ड जैसे पीछे देख लिया, तो यहां लिखा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ये पढ़िए आप, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फिर इसे क्या कहेंगे? इट इज ग्रुप्ड बट नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल. ग्रुपिंग तो की है बट नॉन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 35 के बाद 36 पढ़ रहा है. तो कहोगे नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें नीचे पढ़ लो यही चीज दी है. नॉन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो नहीं है और ग्रुप्ड है, नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फिर अभी हमने जब 0.5 जोड़ दिया तब क्या कहोगे? तो इसको कहेंगे ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. तो इस तरीके से हमने इसे कंटिन्यूअस बना दिया है. तो ये हमें तीनों पता होना चाहिए, एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दूसरा ग्रुप्ड नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और तीसरा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक नॉलेज तैयार कर लिया है उसका कॉन्सेप्ट. बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम इसकी जो है 14.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू.